हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिजिक्स का और एक पार्ट लेकर आया हूं आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट जो पेपर टू दे रहे हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा आपको कि अगर आपका पेपर टू का है, फिजिक्स है, तो आप ज़रूर एनसीईआरटी का बुक्स कर लीजिए दोस्तों, और बाकी भी अगर आपके पास और कुछ मटेरियल हो फिजिक्स का उसका कर लीजिए, क्योंकि अच्छा कोई बुक है नहीं मार्केट में। मैंने बहुत रिसर्च किया, वो आइदर इंग्लिश और हिंदी में हो, तो आपके पास बेसिक जो है वो एनसीईआरटी के 11 एंड 12 ज़रूर कीजिए, और बाकी बुक्स कीजिए, और इसके साथ ये वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये मैं जो है बहुत सारे सोर्स से ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है, तो जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सो दैट हम लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। तो विंड वेन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर स्केल किस लिए यूज होता है, तो वो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर का डिनोट्स करता है वो कौन है, वो 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल है। फैनेट एंड सेंट्रीगेट स्केल में जो एट द सेम वैल्यू कॉप दिखाता है वो -40 डिग्री सेल्सियस दिखा। देखिए ये आईबी में भी मैंने एक प्रीवियस अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया, वो भी देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आया था। तो देख रहे कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमेशा रिपीटेटिव नेचर होते हैं फिजिक्स का जो है, यही अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, आप हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड्स, किस में डिपेंड करता है ना, उसका एंगल ऑफ डेविएशन में डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम व्हिच थिंग, वाटर से जब एयर होता है तब इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, व्हाट इज द सुइटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या है, वो एनसी है। नेक्स्ट देख लेते, द यूनिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन पीएन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इज यूज एज व्हिच थिंग, वो रेक्टिफायर के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्काइंस इज नोन एज व्हिच नेम, उसको क्रैकिंग हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड, दैट इज फर्मी एनर्जी, फर्म एनर्जी बोलते हैं हम लोग, फर्मी एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम है। वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग, क्यों, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, हु इन्वेंटेड एटम बॉम, तो जे रॉबर्ट ओपेनहेमर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट विल इफ अ पेंडुलम क्लॉक बी टेकन फ्रॉम द अर्थ टू रिवॉल्विंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर अर्थ से एक पेंडुलम क्लॉक लेके उसको रिवॉल्विंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लेके जाते तो वो पूरा बंद हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो मोमेंटम एंड इम्पल्स का दोनों का है सेम डायमेंशन है, ठीक है। व्हाट इज द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, वो क्या है, स्टैगफ्लेशन है, ये कहाँ से आ गया, अच्छा चलो ठीक है, ये ज़्यादा ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। चलिए, हु फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हर्ट्ज है। अच्छा, नेक्स्ट देख रहे थे, हीटिंग पायरेट्स इज पायरेट्स हीटिंग पायरेट्स इन एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, न्यूक्लियर फिशन किस लिए होता है, तो वो न्यूट्रॉन का इम्पैक्ट से होता है। कॉमेट्स इन्वॉल्व राउंड विच बॉडी, कॉमेट सन के रिवॉल्व करता है। विच लेयर ऑफ अर्थ इज बिलीव टू हैव द हेवीएस्ट मटेरियल मिनरल मटेरियल्स ऑफ हाइस्ट डेंसिटी, तो सेंट्रल कोर में है दोस्तों, ठीक है। व्हेन मिल्क इज चर्न्ड व्हाट डज द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट, हाउ, किस लिए होता है, तो वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, साउंड ट्रैवल फास्टर इन व्हिच थिंग, वो आयरन में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है देन एयर, एयर से ज़्यादा आपका आयरन में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, विच रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, तो अगर लैंड पूरा स्नो से ढका होगा तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर, वो 3 चाहिए आपको। विच मिरर इज टू बी यूज टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल लैम्प, तो वो कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमी कंडक्टर राइज हो ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम जाएगा। अच्छा, एम एच ओ इज द यूनिट ऑफ विच, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है।
In which type of climate does the temperature never rise above 10 degrees Celsius through the year? What tundra climate mein? ठीक है, what is the product of the time period of a wave and its frequency? That is unit. ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. इसमें तो एक दो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों. चलिए पहले नेक्स्ट बार मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ज़्यादा मिस कर गया तो. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिए फिजिक्स का. तो ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन तो है फिजिक्स का, अच्छा से देख लीजिए और अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, हार्डवर्क कीजिए. ज़्यादा डेज तो है नहीं साइंटिफिक असिस्टेंट और बाकी भी आईबी एमटीएस जो चल ही रहा है, तो अच्छे से हार्डवर्क कीजिए. मैं हम लोग ट्राई करूँगा, मैं जितना भी आपके लिए जितना कर पाऊँ, जितना अच्छा मटेरियल लेके आ पाऊँ, तो ज़रूर देखिए. और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों. तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.